माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी वेरी स्पोर्टी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पर रिएक्शन दूंगी वो उसका टाइटल बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आप सबका TRK न्यूज़ पर। तो हमें खबर आई है कि माह रमज़ान के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जो है फूड प्राइसेस 45% इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं इस वक्त पहुंची हूं भारत के कश्मीर के सब्ज़ी मंडी में, और हम यहां पर पता करेंगे कि क्या यहां भी माह रमज़ान में कश्मीर में भी, भारत के कश्मीर में भी क्या सब्ज़ियों की रेट्स इंक्रीज़ हुई हैं। क्योंकि ये एक जुल्म की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन POK में हैं वो किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं और उनकी ये जो तकलीफ़ है वो हमसे देखी नहीं जाती। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या भारत के कश्मीर में भी क्या ऐसे ही हालात हैं कि यहाँ भी प्राइजेज़ जो हैं सब्ज़ियों की वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं या सेम है या घट चुकी हैं। हम यहाँ पर कुछ सब्ज़ियों की प्राइजेस और फूड रेट्स पता करते हैं यहाँ की शॉपकीपर से बात करके। तो आइए हम सब्ज़ी मंडी के कुछ नज़ारे भी देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माह रमजान मुबारक छुई। खैर मुबारक। तो बहका तो एक सवाल पूछे परवाह। तो आज करो उर्दू मज़ेकात। क्या इसकी सॉरी बोजन एंड ये मंशना कशर तागा की। ओके ओके। तो आप मुझे बताइए कि ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का। जी जी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, ज़रा बताइए। ये आलू है वाइट वाला, जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 1,650 रुपये किलो। 1,650। हाँ 1,650। और प्याज का? प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपये के जी। 25 रुपये। हाँ टमाटर का प्राइस बता दीजिए यहाँ पे इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर। टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपये से 1-2 रुपया ऊपर ही, तो 30-32 रुपए किलो होता है टमाटर। आप मुझे बताइए क्या माह रमजान में कश्मीर में आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए मंडी में होलसेलर के पास। हम तो 2-3 रुपए के मालिक है, वो तो बड़ा घोटाला मंडी में जा रहा है जी, लेकिन, हम... लेकिन फिर भी आप अपने ही प्राइस के हिसाब से बताइए कि रमजान से पहले क्या रेट्स कम थे और रमजान में रेट्स बढ़ चुके हैं? कुछ आइटम में सेम रेट है, कुछ आइटम में बढ़ गया है रेट। और कितना ज्यादा बढ़ा है, अगर बढ़ा भी है तो? हाँ, मतलब जैसे मटर है ये रमजान से पहले था 100 का 4 किलो, 25 रुपए किलो। हाँ। आज है ये 80 रुपए किलो। अच्छा 80 रुपए। 25 से 80 हो गया। 80 हो गया। अच्छा। वैसे ये पीन है, ये था रमजान से पहले 30 रुपए किलो। हाँ। ये आज है 70 रुपए किलो। अच्छा। ये कौन सी सब्जी बताइए? राजमा। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, अलबत्ता इतनी भी नहीं जितनी कि हमारे जो भाई बहन उस पार हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा। क्या आपको पता है कि पार के जो हमारे भाई बहन हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी रोज़ेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर प्याज 140 रुपये किलो और टमाटर लगभग 150 रुपये किलो की मिल रही है? मैंने सुना रेट। हाँ। आपने सुना है रेट? आपने सुना वहाँ का रेट इतना बढ़ गया? दिल्ली में मैंने सुना रेट बढ़ गया है जी। नहीं मैं पार वालों की बात कर, वो भी हमारे जैसे जो हैं वो भी जी, आप ये माइक ले लीजिए। तो जो पार वाले वो भी हमारे, वो भी कश्मीरी हैं, हालांकि वो कश्मीरी बोलते नहीं है वो, मगर वो है तो इसी रियासत के। बिल्कुल। उनके साथ भी, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनके यहाँ जो है सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोचिए 150 रुपए वहाँ की रेट, टमाटर चढ़ गए जी, तो बाहर वालों की रेट आसमान ऊपर। तो आपके वो भी रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है, तो आप
कुछ कहना चाहेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करें लोगों के लिए? जिस तरह यहाँ होता है माह रमज़ान में, उतना मुनाफा हम रखते ही नहीं जितना रखना चाहिए। हम 2-3-4 रुपये रखते हैं अपने लिए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ की गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि ये माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, इसलिए इनको ये सोचना है जैसे हम कमाते हैं 2-3 रुपये, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो मतलब आप कह रहे हैं मुनाफा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कोई और तरीका नहीं है जिससे वहाँ पे सब्जियों के रेट्स उन बेचारों को कम हो? ये तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए, वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा? वो अमीर की बात छोड़ो, जो 70-80 लाख रुपया कमाता है महीना, उसकी बात छोड़ो, जो 400-500 दिन में कमाता है, शाम को खाता है, उसका सोचना है। वो तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भाई हैं बटमालू सब्जी मंडी में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो हमारी रियासत की का हिस्सा है उस तरफ, उनके लिए जो मुनाफा होता है सब्जियों पर वो कम होना चाहिए, खास करके माह रमज़ान में, ये इनका कहना है। और जाहिर सी बात है कि हमें बुरा लगता है, हमारे वो जो रोज़ेदार भाई बहन हैं वो किस तरह इन्फ्लेशन और महंगाई के तले दबे हुए हैं इस वक्त। चलिए हम और पता करते हैं कि यहाँ पर आटे, चावल, दाल और इन सब चीज़ों की रेट्स क्या चल रही है। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं चिकन सेलर के पास इसी मार्केट में। अब हम इनसे पता करते हैं कि चिकन की क्या प्राइसेस चल रही हैं कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमज़ान मुबारक शुरू सारने। मुझे आपसे ये पूछना था, हम ज़रा अस्करा उर्दू मस्कात, मुझे आपसे ये पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही हैं? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, 100 रुपये लेयर की। अच्छा, एक ही रेट नहीं, आज तो डाउन रेट, आज से 10 रुपये उतर गया। अच्छा, कल 140 था बॉयलर। अच्छा, आज डाउन हो गया। अच्छा, बेसिकली रमजान में प्राइसेस उतरे हैं या बढ़े हैं? नहीं, इसमें कोई भरोसा नहीं होता है, फिलहाल तो वही है, एक दो दिन में देखेंगे क्या रेट। फिलहाल वही है जैसे पहले था रमजान, तो 140, 150, 130, 140 मुझे आपको पूछना है कि बॉर्डर पार जो है वहाँ 750 रुपए किलो है चिकन का, वो भी माह रमजान में, तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि चिकन के प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो, ताकि वहाँ के लोगों को जो है, जो बॉर्डर पार है ना उस तरफ की रियासत जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो उस तरफ है, उनके यहाँ पे 750 रुपए किलो है चिकन, तो जाहिर सी बात है वो भी रोज़ेदार हैं और ऐसे माहौल में उनको इतनी महंगाई उन पर हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे वो रेट्स कम करें चिकन का? ये तो हम तो अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें तो उधर के मॉल में वहाँ कैसे पे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं, कोई बात पता नहीं। हम तो अपनी स्टेट की, अपनी मुल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा मुल्क है? हमारा तो फिलहाल इंडिया ही। अरे वाह जियो। चलो तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट की बात करेंगे, हमें कुछ खास पता नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि हम न्यूज़ बिज़नेस में हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि वहाँ हमारे भाई बहन जो है माह रमज़ान में जो है उन पर कितनी तकलीफ हो रही होगी, उनको इतनी महंगाई में 750 रुपये केजी चिकन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 150 तक केजी चिकन मिलता है, पूरा फुल चिकन मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आइए हम आटे, दाल, आटे चावल की, इनकी भी प्राइसेस पता करते हैं इस मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमज़ान मुबारक छू तो ही। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जी। आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप डीलर हैं यहाँ पर आटे, दाल, चावल और इन सब चीज़ों की इस मार्केट में, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है माशाल्लाह, तो आप कितने सालों से डीलर हैं इन चीज़ों में? कम से कम यहाँ से मैं 20-25 सालों से बैठा हूँ। ओके, आप ये बताइए कि आज 2023 के माह रमज़ान में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, आटे का क्या प्राइस है आज? आटे का अभी
32 रुपीज़ पर के जी। और क्योंकि अच्छे ना आटा खेवान के ज्यादा हम ज्यादा खाते हैं चावल और ये सारी चीजें, तो आप चावल का भी रेट बता दीजिए क्योंकि कश्मीरी चावल ज्यादा खाते हैं। नहीं, कश्मीरी ज्यादा नहीं चलता है, इधर बाहर का ही चलता है ज्यादा जी। तो वो पर के जी आता है 28 रुपीज़ पर के जी। 28 रुपीज़। क्या आपको अंदाज़ा है कि जो रियासत जो पार है, हमारी जो रियासत एक हिस्सा पार में है, वहाँ पर माह रमज़ान में वहाँ के जो लोग हैं वो महंगाई से लाचार हैं और वहाँ पर आटा जो है 150 रुपये के जी में बिक रहा है और चावल जो है 450 रुपये के जी में। तो क्या आप वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से इनकी रेट्स कम किए जाएँ ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माह रमज़ान में? मतलब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसकी बात कर रहे हो? जी नॉट हमसाया मुल्क, बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है, मैं उस पीओके की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे लोग लाचार हो चुके हैं महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे रेट्स कैसे कम किए जाएं, वो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली उधर जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए कि असल में लोगों का फ़ायदा कैसे हो जाएगा, क्या करना है। अभी मैं इधर की बात बोलूँगा, अभी तेल में रेट उतर रहा है। उतर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, तेल में रेट उतर रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं। अभी कम से कम 15 किलो वाले टीन में अभी 300-400 रुपया अभी कम हो रहा है, तो इससे लोगों को भी फ़ायदा हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। नहीं, उतरना चाहिए, कम होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि माह रमज़ान में कम किया गवर्नमेंट ने रेट्स, या बढ़ गए या उतने ही हैं जितने माह रमज़ान से पहले? माह रमज़ान में तो रेट तो उतर रही है, खाली थोड़ा बहुत वो डेट्स का रेट चढ़ गया, खजूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट, क्योंकि वो तो हम इम्पोर्ट करते हैं शायद उस वजह से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो किस कदर हमारे कश्मीर में कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप आटा दाल चावल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फिर आप चिकन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है नेसेसिटीज़ हैं रोज़ेदारों के लिए, खास करके उन पर ऑलरेडी जो है गर्मी के मौसम में, इस वक्त इस साल जो है रमज़ान आया है और गर्मी के मौसम में ऑलरेडी वो रोज़े रख कर वो जो है उन पर ऑलरेडी इतनी मशक्क़त है, ऑन टॉप ऑफ इट उनको इस तरह महंगाई के नीचे उनको इस तरह से दबा के रखना, ये बहुत ही गलत कर रही है जो हमारे पार की जो गवर्नमेंट है, हमसाए मुल्क की गवर्नमेंट है, ये लोगों के साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है माह रमज़ान में। और जैसे आपने सुना कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जय कश्मीर, जय जी। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैनल का लिंक सेंड कर दिया है, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही कमाल का चैनल है इनका। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।